हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टू फ्लेवर्स के टू टाइप्स के झटपट चिकन कबाब बना रही हूँ। आप इसको चिकन टिक्का स्टाइल में भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आप बहुत इजीली एक ही टाइम में आप दो कबाब प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, मैं बहुत ही शॉर्टकट वे में आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। दोनों एक साथ मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड की हूँ 2 पिंच टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून साल्ट। आप जितना चाहे उतना टाइम सेव करें, रमज़ान इबादत का महीना है ना। मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ ना कॉर्नफ्लावर, क्योंकि कॉर्नफ्लावर एंड फूड कलर ज़्यादा हेल्दी नहीं होता सेहत के लिए। फूड कलर तो बहुत सारे नुकसान हैं फूड कलर के, जितना आप चाहे उतना फूड कलर अवॉइड करें। यह है चिकन कबाब पाउडर, मैं 2 टीस्पून ऐड की हूँ। एक किंग ब्रांड का है, आप जो चाहे यूज़ करें। मैं ग्रीन कबाब के लिए भी किंग ब्रांड का ही ग्रीन कबाब पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ गरम मसाला। देखिए, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स की हूँ। आप ग्रीन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1/2 टीस्पून साल्ट। सेम इंग्रेडिएंट्स है एंड सेम क्वांटिटी भी है। आप एक साथ दोनों बाउल एक साथ रख के आप मैरिनेट करें एंड कुटा हुआ गरम मसाला एंड मैं ग्रीन कबाब पाउडर ही ऐड की हूँ इसी में। मैं वो क्लिप ऐड करना भूल गई थी। अब इसको जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे दोनों कबाब बन के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। आप इसको इसी तरह सिंपल एंड इजीली बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।